सिंगरौली जिले के मोरवा थाना परिसर में एसडीओपी राजू पाठक व मोरवा थाना प्रभारी मनीष त्रिपाठी की अध्यक्षता में आने वाले त्योहार गणेश पूजा व दुर्गा पूजा के लिए पंडाल लगाया जाएगा। उसी की साइज व्यवस्था के लिए गृह मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णय निर्देश के संबंध में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मोरवा शहर के गणमान्य नागरिक, वरिष्ठ नागरिक व क्षेत्र के निवासी उपस्थित रहे। इस बैठक में एसडीओपी राजू पाठक व मोरवा थाना प्रभारी मनीष त्रिपाठी ने शांति समिति की बैठक में आए हुए व्यक्ति को जानकारी देते हुए कहा कि इस बार गणेश उत्सव व दुर्गा पूजा में पंडाल छोटे रहेंगे, साथ ही किसी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा न हो। कोरोना महामारी को देखते हुए कोरोना गाइडलाइन का सभी लोग पालन करें। मोरवा थाना प्रभारी मनीष त्रिपाठी ने कहा कि किसी भी प्रकार का जुलूस, जलसा या बड़ी भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। निजी तौर त्योहार को मनाए सभी को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज मोरवा थाने में क्षेत्र के गणमान्य लोग और गणेश जी पंडाल के आयोजक, मूर्तिकार, टेंट हाउस वाले सभी को बुला के एक सार्वजनिक मीटिंग ली गई। उन्हें गृह मंत्रालय द्वारा जो गाइडलाइन कोरोना के संबंध में जारी हुई है उससे अवगत कराया गया और सभी लोगों को कोरोना से बचाव के लिए स्पष्ट रूप से बताया गया कि किसी भी प्रकार का जुलूस, जलसा आयोजित नहीं होगा। निजी रूप से डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उत्सव मनाएं और कोई भी ऐसा आयोजन जिससे कोरोना का प्रसार हो वो नहीं होगा, जिसमें सभी लोगों ने अपनी सहमति दी और आगे भी इसके लिए जो जरूरी कार्रवाइयां होंगी वो की जाएंगी। जगह जगह चूंकि पहले पंडाल लगाए जाते थे और कार्यक्रम किए जाते थे, चाहे वो गणेश चतुर्थी हो, दुर्गा पूजा हो, जो इस तरह के त्यौहार होते हैं, तो इस बार क्या रहेगा इस संबंध में? पंडालों के संबंध में निर्देश बड़े स्पष्ट हैं। पंडालों की साइज बहुत छोटी है, उसमें भी शर्त यह है कि लोगों की संख्या बिल्कुल भीड़ भाड़ ना हो। तो इसके संबंध में सबने इस बात में सहमत दी कि हम निजी रूप से अपने उत्सव मनाएंगे। सिंगरौली से उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट।